हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मेरी वीक में। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित, आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि प्रीगाबलिन कैप्सूल के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में मेरी वीक में। मेरा नाम है रोहित, आज हम दोस्तों चर्चा करते हैं प्रीगाबलिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं प्रीगाबलिन कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला साइड इफेक्ट है दोस्तों इसका ड्राइनेस ऑफ माउथ, कि मुंह में सूखा बनाना, क्योंकि दोस्तों इस कैप्सूल के उपयोग के कारण जो है मुंह में सूखापन जो है बहुत ज़्यादा आता है सबसे, ठीक है। और मुंह का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, जो मुंह में जो सूखा बनाने की वजह से जो मुंह का टेस्ट है दोस्तों वो भी ख़राब हो जाता है। दूसरा है दोस्तों चक्कर आना, कि प्रीगाबलिन कैप्सूल के उपयोग से हमें चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं और हमें पसीना वगैरह भी ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों खाने के बाद जो है इसमें आप किसी भी काम को करने में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों कोई भी काम करने में इस कैप्सूल के उपयोग के कारण, और ध्यान नहीं लगता किसी भी काम में, मतलब कि एकाग्रता नहीं बनती काम करने में, वही बंदे को ऐसे घबराहट वगैरह से होती रहती है, ठीक है। और हमें नींद भी आ सकती है और बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है इस कैप्सूल के कारण दोस्तों। 300 mg साल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि तेज़ माना गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी डोज मानी गई जिसका सेवन करने के दौरान उसके बाद जो है हमें काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ नींद आ सकती है, ठीक है। और ज़्यादा लंबे से दोस्तों दवा अगर हम ये इसका प्रीगाबलिन कैप्सूल को उपयोग करते हैं, प्रेगा कैप्सूल जैसे हम बोलते हैं सिग्नेचर बोलते हैं इसका उपयोग जो हम ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं तो हमें मोटापा भी आ सकता है, हमारा वेट भी गेन हो सकता है इसके कारण। बट ये कि वेट गेन होना वो वेट गेन नहीं जो हम हमारे बॉडी में वैसे सिंपल तरीके से जो वेट गेन होता है वो तो वेट गेन है दोस्तों, ये दवा के कारण जो वेट गेन होता है ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक माना जाता है, ठीक है। और बात करें दोस्तों अगर आपको ये साइड इफेक्ट जो है लंबे समय तक अपनी बॉडी में ख़राब करते हैं, हमें दिखना शुरू हो जाता है कि हमें जो इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट जो है हमें ख़राब किए जा रहे हैं, तो हमें अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और अपनी बीमारी का जो तुरंत इलाज करवाना चाहिए, ताकि जो ये साइड इफेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं ये जो आपकी बॉडी को ख़राब ना करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी प्रीगाबलिन कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियोस जो है चैनल पे लाते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।